तुम्हें पता है गांजा क्या होता है? गांजा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके सेवन करने से तुम धाकड़ जैसी फिल्म की स्टोरी लाइन लिखते हो। वो कहते हैं ना कि भरोसे वाले ही भोपाल वाले होते हैं, सेम वही भरोसा मैंने इस मूवी के ऊपर किया था और इस मूवी ने जो मेरे भरोसे की माँ बहन एक्ट करी है, पूछो ही मत। मैं थिएटर में इस मूवी को देखने के लिए गया, पहले मैं बताता हूँ कि इस मूवी में मुझे सिर्फ तीन चीजें पसंद आई है, वो तीन चीजें क्या है। पहला है अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता, दोनों की बैकग्राउंड स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद में आता है कि एक इंडिया के अंदर बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया जाता है, उसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और वो लड़कियां किडनैप करने वाला सीन, वो पसंद आया। और तीसरा है इसमें एक्शन, एक्शन बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। उसके अलावा इस मूवी में कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया। मूवी 2 घंटे 11 मिनट की है, बट सोच लो मैंने सिर्फ तुम्हें 11 मिनट की चीज बताई है जो मुझे पसंद आई, बाकी जो 2 घंटे तुम थिएटर में इसमें देखने वाले हो पूछो ही मत। पहले बात करें इस मूवी की, तो मूवी की स्टोरी लाइन शुरू होती है बुदापेस्ट से, यानी कि जहां पे अग्नि अपनी कंगना रनावत एक मिशन पे जाती है, कपड़े वपड़े पहन लेती है, बाइक उठाती है और चली जाती है। कंगना और उसके साथ में एक और एजेंट अंदर जाते हैं, लोग आए जा रहे बस इन पे बेवजह, अपने को पता ही नहीं कि कर क्या रहे, बस वो गोलियां चल रही है और लोग आए जा रहे। मैंने कहा ठीक है यार। इसके बाद में मूवी आगे बढ़ती है जहां पे उसे मिशन मिलता है कि तुम्हें इंडिया के अंदर जाना है, और दिव्या दत्ता और अर्जुन रामपाल इन दोनों के बीच में जो ये इंडिया के अंदर कर रहे उन्हें वहां जाकर रोकना है। तो अग्नि यानी कि कंगना का यही मिशन रहता है और वो इंडिया आ जाती है। उसके बाद में फिल्म जो शुरू हो जाती है ना भाई साहब, कहीं कहीं अच्छी लगती है, कहीं कहीं ये वाहियात लगती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इस मूवी को कुछ ज्यादा ही बुरा कर रहा हूँ, तो देखो मेरी बात सुनो, मैं खुद इस मूवी से उम्मीद लगाकर बैठा था। मैंने कहा चलो भूल भुलैया तो ना सही, धाकड़ में तो कुछ मजा आने वाला है, बट धाकड़ में बिल्कुल मुझे मजा नहीं आया। लाइक ऐसा होता ना कि अटैक जैसी फिल्म, उस फिल्म के अंदर स्टोरी लाइन अच्छी थी तो उनको एक्शन लिखते नहीं आया, यानी कि डायरेक्ट करते नहीं आया। सेम वही अपोजिट होता है धाकड़ के साथ में, इनके एक्शन अच्छा तो उनको स्टोरी लाइन लिखते नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा थिएटर में मेरी वजह से 100-200 रुपए इन्वेस्ट करे और फिर ऐसी फिल्म देख कर आए, क्योंकि ये फिल्म ज्यादा वाहियात नहीं है। इसके एक्शन की वजह से, म्यूजिक की वजह से थोड़ी हैंडल की जा सकती है, बट फिर भी थिएटर में देखना बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि यार कैसे खत्म होगी ये मूवी। में वाहियात क्या क्या है सबके बारे में बात करें। सबसे पहले कंगना का इंट्रो, एक एक्ट्रेस है वो, इस मेन लीड है वो, और उसको इतनी ठंडी तरीके से दिखाया, भले उन्होंने एक्शन के साथ में उसे इंट्रोड्यूस करा बट फिर भी उसका बिल्डअप हुआ ही नहीं है। उनसे बेहतर बिल्डअप तो अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता का हो गया था इस फिल्म के अंदर। दूसरी आ जाती इमोशनल सीन, इमोशन को कैप्चर करने की कोशिश करती है फिल्म, हमें बताया जाता कि हाँ यहाँ पे इमोशंस है, बट फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं उस इमोशंस में। दूसरी आती है इसकी एडिटिंग, फिल्म इतनी तेजी के साथ में भाग रही है भाई साहब कि कौन सा सीन कहाँ हुआ था उसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, तब जाकर तुम ये मूवी समझ पाओगे, और बहुत जल्दी ये मूवी हो जाती है। इंटरवल तक तो लग रहा था कि ठीक है एवरेज है, बट इंटरवल के बाद में धीरे धीरे ये और गिरती गई मेरी नजर में। अगर फिल्म की बात करें तो तीनों एक्टर बेस्ट है इसमें, दिव्या, अर्जुन रामपाल और कंगना, तीनों का अगर कंपैरिजन करूं ना तो कंफ्यूज हो जा रहा हूं कि बेस्ट कौन था। तीनों ने बहुत शानदार एक्टिंग की है, बहुत शानदार एक्शन किया है, बट फिर भी व्हाट अबाउट स्टोरी लाइन। एक फिल्म को तुम सिर्फ एक्शन दिखाकर थोड़ी बता सकते हो यार। मैं मानता हूं इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा के साथ में कुछ फ्रेश ट्राई किया, एक फीमेल लीड के साथ में एक्शन दिखाया और अच्छा एक्शन दिखाया, और साथ ही साथ इस फिल्म को एडल्ट रखा गया है। यस, फिल्म की ओपनिंग में मैं देख रहा हूँ कि ये क्या देख रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जो एडल्ट फिल्में बनती है ना भाई साहब, वो सिर्फ कॉमेडी एडल्ट बनती है। मैंने एक्शन एडल्ट तो मुझे याद भी नहीं कि कब बनी थी, तो ये पहली एक्शन एडल्ट फिल्म है मेरी नज़र में शायद। तो ये हाँ, ये फिल्म एडल्ट है तो फैमिली के साथ तो बनता ही नहीं है, 18 से नीचे के हो तो भी ये फिल्म देख नहीं सकते, 18 से ऊपर वाले टीनेजर्स लोग इस फिल्म को देख सकते हैं, बट फिर भी कैसे देखोगे ये फिल्म, क्योंकि मैं जब थिएटर के अंदर घुसा 5 लोग में आए थे, वो थिएटर में पूरे थिएटर में सिर्फ हम 5 लोग बैठे थे जिसमें से 3 लोग मूवी छोड़कर चले गए, बस हम 2 लोग उसमें बैठे रहे, क्यों पता नहीं, मुझे तो रिव्यू करना था और उस बंदे का मुझे समझ में नहीं आया। तो यस, तुम अगर धाकड़ का प्लान बना रहे हो तो यार थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये फिल्म उतनी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरती है। बाकी मैं और क्या ऐसा बोलूं जिसकी वजह से तुम थिएटर की तरफ चले जाओ, ऐसे कोई शब्द ही नहीं इस मूवी के लिए मेरी नजर में, क्योंकि मूवी में यार ये मूवी स्लो होती है इमोशंस के टाइम पे और अचानक से उठ जाती है। बंदी इंडिया में और अचानक से यूरोप में कहीं चली जाती है, वो कहीं पे लड़ रही है और अचानक से एंड में अर्जुन रामपाल उसके सामने आ जाता है, बोले हाँ अब मुझे मार। कोई सेंस ही नहीं था उस सीन का, इतने सेंसलेस सीन लगे कि पूछो ही मत।
बट यार क्या ही बोलूं यार, कुछ अलग ट्राई किया है तुमने, फ्रेश ट्राई किया बट गलत तरीके से ट्राई कर दिया, बहुत जल्दबाजी में ट्राई कर दिया। तो धाकड़ का यही है रिव्यू। और आज की डेट पर भूलभुलैया 2 भी रिलीज हुई है, तो भूलभुलैया 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मैं देख कर आ गया हूँ। और वो मूवी का ट्रेलर जितना वाहियात है, मूवी उससे थोड़ी सी अच्छी भाई साहब। मूवी को तुम अगर 110 रुपये भी दोगे ना थिएटर में, तो इस मूवी को तुम देख पाओगे ही उस टाइप की फिल्म है भूलभुलैया 2। और साथ साथ कॉमेडी तो नहीं थी इस मूवी में, बट फिर भी मूवी को तुम देख सकते हो एंटरटेनमेंट के तौर पर। बट अगर बात करो भूलभुलैया का, तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कहीं से ताड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, उठाया या कहो चुराया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भूलभुलैया के कॉपी वर्जन में बात करूंगा। तो यस, वो वीडियो आने वाला है। तो अगर बात करें धाकड़ की, तो रिव्यू खत्म। लाइक कर दो अगर तुमने धाकड़ देख लियो, तो तुम अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर तुम कंगना के फैन हो और तुमने धाकड़ नहीं देखी है, तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन मत देना, एक बार मूवी देख कर आओ और फिर मुझे गाली देना अगर तुम एग्री नहीं करते हो। तो बाकी अगर एग्री करते हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो और ऐसे ही आने वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।